तो पीपल कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो बहुत ही बेसिक चीज़ के बारे में होने वाली है, और ये गलतियाँ सब करते हैं जब नई नई गाड़ियाँ लेके आते हैं, और कई लोग जब गाड़ी पुरानी हो जाती है उसके बाद भी ये गलती करते हैं। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक होगा वो ये होगा कि गाड़ी पे आपको कवर ढकना चाहिए या नहीं ढकना चाहिए, बिकॉज ये गलती हर नया गाड़ी का ओनर करता है। मैंने देखा है नई नई गाड़ी लेके आते हैं, वो गाड़ी पे कवर ढकना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। बिकॉज कवर, आप लोग सोचते हैं कि जो कवर है वो आपकी गाड़ी के पेंट को बचा रहा है, गाड़ी को बचा रहा है, बट ऐसा नहीं है। उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं आपकी गाड़ी पे, सो उसी बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एंड अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टा पे जाके पूछ सकते हैं, ये है मेरी इंस्टा प्रोफाइल, एंड वहां पे मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पे दबाना ना भूलें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे दबा देंगे उसके बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा, और उसे भी दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कब नई वीडियोस डाली हैं। सो गाइस, सबसे पहला एग्जांपल तो आप ये वीडियो देख लीजिए, बिकॉज कल यहाँ पे बारिश हुई थी एंड मैंने लाइव वीडियो रिकॉर्ड करी थी कि जब बारिश होती है तो उस टाइम कवर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है हमारी गाड़ी के पेंट पे, हमारी गाड़ी पे। तो पहले एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे वीडियो स्टार्ट करूंगा। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये अभी बारिश आई हुई, मैं आपको पानी दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो आप, पानी ये रहा और ये बारिश का पानी है। सो ऊपर से हम लोग समझते हैं कि जो कवर होगा वो वाटरप्रूफ होगा, बट मैं एक बार आपको उठा के दिखाता हूँ। तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पानी जमा हुआ है सारा कवर के बीच में और गाड़ी के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी जमा हुआ है सारा अंदर, सिर्फ इधर ही नहीं और इस साइड में आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं शीशे पे कि यहाँ पे पानी जमा हुआ है गाड़ी के बीच में और कवर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिपका हुआ है पूरा। मैं मेरी गाड़ी का ही केस बता देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इधर पे बारिश में पानी पड़ा हुआ है, बट बिकॉज ऊपर कोई कवर नहीं है तो ये पानी सारा हवा के साथ सूख जाएगा या नीचे गिर जाएगा अपने आप। और बिकॉज इस गाड़ी में, यहाँ पे ये जो गाड़ी खड़ी है इसमें पानी कवर के अंदर है, तो जो पेंट होगा उस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। गाइज, यहाँ पे मैं अच्छी क्वालिटी के कवर की बात नहीं कर रहा, बिकॉज हम जब शोरूम से कवर लेते हैं, मैं आफ्टर मार्केट कवर लेते हैं, तो वो 600 रुपए से लेके 2000 रुपए तक आते हैं, एंड उनमें से बहुत ही कम कवर वाटरप्रूफ या डस्ट प्रूफ होते हैं। सो इस केस में जब बारिश होती है तब जो पानी होता है वो कवर के और हमारी गाड़ी के बीच में फंस जाता है, और रस्टिंग का जो प्रोसीजर होता है वो आप लोगों को पता होगा कि जब पानी और हवा मिलता है लोहे पे या किसी भी चीज़ पे तो रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। सो रस्टिंग का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, एंड जो हमारी गाड़ी का पेंट है उस पर बहुत ही ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। मैं यहाँ पे एक या दो या तीन या चार दिन की बात नहीं कर रहा, बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जब कवर के बीच में मॉइस्चर रहता है तो आपकी गाड़ी को 100% नुकसान देता है। और हम लोग सोचते हैं कि जब बारिश आ रही है तो उससे हमारी गाड़ी का पेंट बच रहा है बिकॉज हमने कवर ढका है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा होगा कि जब मैंने कवर को ऊपर करा था तो उसके बीच में पानी और जो धूल मिट्टी थी उसके पैचेस आ चुके थे, एंड वो ही चीज़ अगर हम तीन चार दिन तक नहीं संभालेंगे तो वो जो पैचेस हैं वो गाड़ी के पेंट में मिक्स हो जाएंगे और वहाँ पे अलग से दिखेंगे। जो व्हाइट कलर की गाड़ियाँ होती हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। जब नई गाड़ी लेने जाते हैं तो आपने वेयर हाउस में देखा होगा कि कई कई गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, और ऐसा नहीं होता कि आज गाड़ी आई है तो वो कल बिक जाएगी। एक एक महीने तक, दो दो महीने तक उनके वेयर हाउस में गाड़ी खड़ी रहती है, वो भी बिना किसी कवर के एंड धूल में। और ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं होगा जो गाड़ी पे अगर छोटा सा भी स्क्रैच लगा हुआ हो तो इसे एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज हम नई गाड़ी लेने जाते हैं तब गाड़ी एकदम साफ होती है और उस पर कोई भी स्क्रैचेस नहीं होते। बट फिर भी कंपनी वाले कवर नहीं ढकते हैं, तो आप इससे थोड़ा सा तो खुद ही दिमाग लगा सकते हैं कि कंपनी वाले क्यों नहीं ढकते और हम जब गाड़ी लेके आते हैं तो हम क्यों ढकते हैं। सो कवर ढकने का कहीं पे भी मतलब नहीं आता। वो मैंने बात मानी कि अगर आप एक दो दिन के लिए कहीं पे बाहर जा रहे हैं, गांव में या कहीं पे भी आप गाड़ी खड़ी कर रहे हैं जहां पे आपको डर है कि बच्चे स्क्रैच मार देंगे, वहां पे कवर ढकना वाजिब है, वहां पे आप कवर ढक सकते हैं। बट डेली रूटीन में कवर ढकने का बिल्कुल भी मतलब, सोचते हैं कि हमारी गाड़ी स्क्रैचेस से बच जाएगी और बहुत सारी चीज़ों से बच जाएगी, जैसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी गाड़ी एक सेफ जगह पे खड़ी होती है ऑलरेडी, तो जब उसमें धूल मिट्टी अंदर जाती है ना, आप कवर ऊपर डालते हैं, निकालते हैं, तो स्वर्ल मार्क्स आने लग जाते हैं, बिकॉज जो कवर होता है वो गाड़ी के पेंट के साथ स्क्रैच करता है, रब करता है, उससे स्वर्ल मार्क्स आते हैं। सो अगर आपकी गाड़ी सेफ जगह पे खड़ी होती है तो कवर बिल्कुल भी ना ढके गाड़ी पे, और बारिश के मौसम में तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल भी कवर ना ढके गाड़ी पे, बिकॉज बारिश का जो पानी होता है वो आपकी गाड़ी के पेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, एंड बिकॉज एयर पास नहीं हो पा रही है अच्छे से, इसलिए वो बीच में ही जम जाता है गाड़ी के पेंट के ऊपर एंड कवर के बीच में, एंड वो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, एंड रस्टिंग का जो प्रोसेसर है वो काफ़ी तेज़ हो सकता है।
कुछ बेसिक सी चीज़ आपको बताई थी गाड़ी पे कवर ना ढकने के लिए, और अगर आप नई गाड़ी लेके आ रहे हैं तो आप मोस्टली अवॉइड करिए, बिकॉज गाड़ी को कुछ हद तक स्क्रैच से बचा सकता है, बट डेंट से फिर भी आपकी गाड़ी नहीं बचेगी। एंड अगर इन केस बारिश या कुछ आ जाता है तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत होगी आपकी गाड़ी के पेंट को। सो आप कवर ढकना अवॉइड करें। और गाइस कवर पे हम लोग 600 से लेके 2000 रुपए तक खर्च कर सकते हैं, उसी कॉस्ट में हम आगे 2-3 साल बाद जाके गाड़ी पे बफिंग करवा सकते हैं, जिससे कि छोटे छोटे स्वर्ल मार्क्स या स्क्रैच है वो सारे हट जाएंगे। सो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलें। एंड अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टा पे जाके पूछ सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आप यहाँ पे देख सकते हैं।